हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार। तो आज के वीडियो में हम Hyundai Sentro और Alto का ड्रैग रेस करने वाले हैं, जो कि थोड़ा कम करो, देखते हैं कौन विन करता है। और ये 800 सीसी का इंजन है और इसमें 1100 सीसी का इंजन है। कंपैरिजन उस तरह से सीसी वाइज नहीं है, लेकिन कार है वो भी थोड़ा इससे वेट कम है उसका, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और पानी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा बाहर में, कैमरा में जस्टिफाई नहीं होता है जो भी पानी गिर रहा होता है, आप वहाँ देख सकते हैं। ट्रक के टायरों, जो ट्रक गया उसका टायर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा पानी गिर रहा होगा। दिख नहीं रहा है, ड्रॉपलेट्स जो भी गिर रहा है सो ऐसे जूम करने पे थोड़ा मोड़ा दिखा होगा, यही है पानी गिर रहा है। इसके वजह से बहुत दिक्कत है, ट्रैक्शन लूज कर रहा है गाड़ी। अभी मेटियोर के साथ भी एक ड्रैग रेस शूट कर रहे थे तो उसमें काफी ज्यादा ट्रैक्शन लूज कर रहा था गाड़ी। और ये Alto के साथ करने में दोनों ट्रैक्शन लूज कर सकता है। इसका टायर पूरा खत्म है, आप देख सकते हो यहाँ ग्रिप है ही नहीं बिल्कुल। ये 5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुका है इसका लिमिट से, और वो तो अभी नया नया टायर लगा है 2-3 महीना पहले, उसका काफी अच्छा है। तो ड्रैग में वो ट्रैक्शन ये लूज करने की वजह से वो विन कर सकता है, या फिर विन नहीं करेगा तो एग्जैक्ट रह सकता है ड्रैग में सिमिलर, तो ये भी थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। बाकी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए उसे एक बार पूछ लेते हैं कि टायर कितने दिन पहले चेंज हुआ था। बताओ कब चेंज हुआ था टायर इसका? 3-4 महीना पहले हुआ। 3-4 महीने पहले हुआ, चलो ठीक है। टू बी प्रिसाइज वाली बात बताओ। अरे 3-4 महीना करीब। चलो ठीक है, करीब 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 पहुंचा, ठीक है। एक चीज आपको दिखाते हैं गाइस, ऑन करो, फुल ब्लास्ट में ऑन करो। क्या है ये? बीमारी हो गया है। कौन सा बीमारी है ये? क्या हो गया? आज अभी स्लो है। तो आ गया अभी दोनों कार जिसका ड्रैग रेस करने वाले हैं, Hyundai Sentro और Alto। तो ये दोनों का ही ड्रैग रेस करने वाले हैं, तो अभी साइड बाय साइड लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस। इसका टायर स्क्रैच वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं टायर एकदम ही ख़त्म है, 5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुका है पहले से, तो स्क्रैच करने का नहीं देंगे, ट्राई करेंगे। शुरू में इनिशियली स्टार्ट करेंगे नॉर्मली, अगर ज़्यादा स्क्रैच होगा तो सेकेंड राउंड में रोलिंग ड्रैग रेस करेंगे, जिसमें फर्स्ट गियर में थोड़ा थोड़ा कार चलते रहेगा क्लच पे जितना चल सकता है, उसके बाद उसको रोल करेंगे और फुल एक्सीलेटर पे बढ़ाएंगे, तो उसको करेंगे पहले। और अभी चलते हैं ड्रैग रेस ट्रैक पे लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक नहीं रहेगा तभी करेंगे, टेंशन ना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी कर सकते हैं ड्रैग रेस, तो ट्राई करते हैं। अभी एक ही हैंड से करना है तो हमको काफी पीछे रह गया वो कार। अब 135 तक पहुंच गए थे, तो अभी नहीं, बहुत पीछे है अभी भी, तो अब करके कोई फायदा नहीं है, फिर से स्टार्ट करना होगा अगला ट्रैक, तो अभी तो कोई फायदा नहीं इसमें। तो इनिशियली से लास्ट तक यही विनर रहा, तो अगला बार भी ट्राई करेंगे कि हाँ यही विनर रहे, हम तो अपना 100% देंगे। और चलिए ट्राई करते हैं, अभी फिलहाल फिर से वापस चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो अभी वापस से अटेम्प्ट करेंगे, तो पीछे ट्रैफिक आ रहा है थोड़ा, तो उसमें झोल हो सकता है। बंद करो, सारा कुछ रेडी करो, ट्राई करते हैं। थोड़ा लेफ्ट मेरा गाड़ी भागता है, उससे वजह से भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, उसको हटने दो, आगे से जो आ रहा है वो कार चला जाएगा तभी स्टार्ट करेंगे। और ये बाइक भी आ रहा है पीछे से, इस बार ड्रैग करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड तक गए इस बार भी, हम अपना पूरा ट्राई किए, बहुत ज़्यादा गैप रहता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खैर ट्राई कर लिए, विनर यही है, सेकेंड बार दो अटेम्प्ट में भी यही विनर है, अब तीसरा राउंड करके कोई फायदा नहीं है। तो यह वीडियो में भी विनर सेंट्रो ही रहा है, क्योंकि 100% अपना दिए हम भी और वो, काफ़ी ज़्यादा गैप हो जा रहा है इनिशियल से लास्ट तक में भी। तो विनर यही है ह्यूंडई सेंट्रो, और मतलब ड्रैग रेस जो ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो और ह्यूंडई सेंट्रो के बीच में हुआ, ह्यूंडई सेंट्रो जिंक 2010 मॉडल, वो 2008 है, तो इसमें विनर रहा ह्यूंडई सेंट्रो। ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसे ही कार बाइक रिलेटेड ऑटोमोबाइल कंटेंट सारा लाते रहेंगे, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल जैसा भी आपको प्रनाउंस करना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।